संसदीय क्षेत्र है, पूर्वांचल सबसे बड़ा अंधविद्यालय है, लड़कों का जहां कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। देखिए उसके जिम्मेदार हमारे दिव्यांग कल्याण मंत्री है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनसे मिल करके उनकी क्या समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि पीएमओ ऑफिस खुला हुआ है, इन लोगों को उस मामले को संज्ञान में लेकर के उनका उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करना चाहिए। बीजेपी आपको अनदेखा करती है, आपके बातों में तहजुब नहीं देती है, इतने आपके बेबाक जवाब जाते हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी के पास कोई उत्तर नहीं है तो क्या उत्तर देंगे? बीजेपी के पास हिम्मत है तो वो जातिवार जनगणना हो रही है, जनगणना जातिवार करा दे। सत्ता के बाहर थी बीजेपी तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात खूब बाजा बजा रहे थे। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो 33% महिलाओं का जो विचाराधीन है उसको आरक्षण लागू कर दे, नौकरियों में कर दे। हिम्मत तो बाजा तो बजा रहे थे सत्ता में पाने के लिए, महंगाई कम करेंगे, है हिम्मत? पूछिएगा उनसे, महंगाई का नाम लीजिए तो कहते हैं नेहरू कांग्रेस की देन है। सत्ता में आप बैठे हो और नेहरू कांग्रेस का दोष देते हो? नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे जीएसटी और नोटबंदी करके, बीजेपी के नेता बोलते हैं, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री बोलते हैं, 3 लाख कंपनी नोटबंदी पे बंद हो गई और 6 लाख कंपनी जीएसटी आने पर बंद हो गई। कौन काम करता था ये इनसे सवाल करिए तो भाग खड़े होते हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। आज प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, आज महंगाई पर डिबेट कर ले हिम्मत है किसी की? बैठा दीजिए बीजेपी किसी नेता को महंगाई पर डिबेट करने के लिए, बेरोजगारी पर डिबेट करने के लिए। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, आप बीजेपी किसी नेता को बैठाइए कि कै की रिपोर्ट आई है, कै की रिपोर्ट पर आपने यूपीओ को घेरा था, आप मोटरसाइकिल से तुम मिट्टी ढोए हो, आप बताओ क्या जवाब है उसका? कहेंगे कि कै की रिपोर्ट गलत है। अगर ये महाराष्ट्र में होती, राजस्थान में रिपोर्ट होती, अब तक ये बाजा बजाने लगे होते पूरे देश में। तो इस सच का सामना करने की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को खाना खाते समय गिरफ्तार कर लिया गया उद्धव ठाकरे के बयान पे, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, जमानत मिली, तो क्या कानून व्यवस्था केंद्र और प्रदेश में क्या समझाता है आपको? जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता, जैसन मंत्री करिए वैसा पाइए। सांसद अतुल राय के मामले में पीड़िता इंसाफ मांगते मांगते आखिर अलविदा कर गई दुनिया को, किस रूप में देखते? क्या भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ और उस महिला के दोस्त के साथ खड़ी नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट से मतलब है, उसको वोट चाहिए, वोट के लिए मीटिंग करती है, रैली करती है, जुलूस करती है, नारा ही बड़े अच्छे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन करते क्या हैं? सेंगर बलात्कार, जगजाहिर, स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार, आए दिन अखबारों में आ रहे हैं कि भाजपा के नेता ने कर दिया, भाजपा के नेता। तो बेटी बचाओ भाजपा से, पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ भाजपा से। जो घटना आप बता रहे हैं सांसद के, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उस बालिका को न्याय मिला होता, उस बच्ची को न्याय मिला होता, तो इस तरह की घटना वो नहीं करती। पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी का मूल एजेंडा है, और बात की जाए 75 जनपदों में आज तक एक भी पीएनडीटी की जो बैठक होती है जिसमें बेटियों को बचाने के लिए सबसे सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाया जाता है, एक भी जनपद में आज तक नहीं हुई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो नारे दे करके वोट लेने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रदेश से देश से अगर प्रेम होता, लगाव होता, समाज से लगाव होता, तो ये देश नहीं बेचते, ये देश बेच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेचने लगे। और आज चाहे बेटी का सवाल हो, चाहे पत्रकार का सवाल हो, चाहे नेता का सवाल हो, चाहे आम आदमी का सवाल हो, व्यापारी का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, किसी भी व्यक्ति के विषय में इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है। ये वोट कैसे मिल जाए, हमारे खाते में आ जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम सरकार को बेच के खत्म कर दें। देश में साल भर 10 साल पर एक बार जाति जनगणना होती है, अलग अलग दलों का अलग अलग इस पर विचार आ रहा है, बिहार से भी कुछ समर्थन दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे केंद्र की जो इस तरीके से पहल है, इस पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए समाजवादी पार्टी भी चाहती है जाति जनगणना हो, बसपा भी चाहती है, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं, बिहार में नीतीश का भी अभी मिल करके उन्होंने ज्ञापन भी दिया, वहाँ तेजस्वी ने मिल के ज्ञापन दिया,
पूरे देश के नेता चाहते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातिवार जनगणना हो। ये जातिवार जनगणना से भागते क्यों हैं? आज के तारीख में आप उठा के देखिए, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कबंसी, खड़कबंसी, आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गूंड, लोहार, कुम्हार, कमकर, इनके विषय में आप सोचिए। आज सोनार, आज सोनकर, आज पाल, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, इनकी आबादी कितनी है? ब्राह्मण कितना है? राजपूत कितना है? यादव कितना है? पटेल कितना है? चौहान कितना है? आज तक ये उजागर नहीं हो पाया इस बात के लिए कि भाई जब तक राशन कार्ड में नाम नहीं होता है तो राशन नहीं मिलता उस यूनिट के हिसाब से, तो फिर जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सरकार उनके उत्थान के लिए योजना में जब बजट बनता है तो उस उनके विकास के लिए बजट नहीं दे पा रही है। इस नाते हम लोगों का मानना है कि जब तहसीलों में सर्टिफिकेट तहसीलदार ठप्पा मार के दे रहा है कि तुम फला जाति को, तुम फला जाति के हो, तो फिर जातिवार जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? अच्छा राजभर जी, आपको डर नहीं लगता है कि आप प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इतना मुखर होकर बोलते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि सरकार आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी? जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। सच कहता हूं, सच सामना करने की हिम्मत, गिरफ्तार करे सरकार। हम तो तैयार रहते हैं 24 घंटा, एक पैर जेल में, एक पैर रेल में। ओम प्रकाश जी, पिछड़ी जाति के दुश्मन बता रहे हैं आप भाजपा को, तो आखिर पिछड़ी जाति का दोस्त कौन? जो उनके हक के लिए लड़े, जो उनको हिस्सा दिलावे, वो हित हो सकता है। आप बताइए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट दो साल 10 महीने से रखे हैं, क्या ये अगर हित ऐसी होते तो उसको लागू करते ना? ये रोहिणी आयोग का गठन तो कर दिए, हल्ला तो कर दिए, हमने कर दिया पिछड़ों को आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए, लेकिन तारीख पे तारीख लग रही है। खाली लोडर बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 पिछड़ी जाति का मंत्री बना दिया, लोडर बना दिया। आके लोडर चिल्लाएंगे, भाई चलो पोखरी में मछली मारना है, चलो अब लेके जाएंगे, सबसे वोट दिलवाएंगे, वोट दिलवा करके फिर उसके बाद तो लोडर भाग खत्म, फिर घर भाग जाएंगे। हिस्सेदारी की बात हो रही है, खुलेआम हो रही है बात। ओम प्रकाश जी, कांग्रेस अभी पहला आरोप लगा हुआ है, इधर 2 दिन पहले ताजा मामला, कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा था, जिसपे आपत्ति जताई है कांग्रेस ने कि ये अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन वो मानती नहीं है। अभी 15 अगस्त को मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उल्टे झंडा टंगा दिए, फहरा दिए। कई नेता ऐसे मिले भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊपर और राष्ट्रीय ध्वज नीचे। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं है, इनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, इनसे दौलत से प्रेम है, जब बेच बेच करके रुपया खाली कमा रहे हैं गुजराती सब। कौन लोग हैं जो उल्टा झंडा फहराए हैं? अभी आपके पिंडा के विधायक को हमने देखा, औदे सिंह, उन्होंने फहराया। अभी एक डीएम ने जो आईएएस हैं उन्होंने फहरा दिया। अभी आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस, क्या यही है लोकतंत्र? आप वहाँ, आप उनको अगर झंडे में, अपनी पार्टी के झंडे में लपेटना था तो आप अंदर लपेट देते, उसके बाद ऊपर से आप तिरंगे का सम्मान करते, तो तिरंगे से आप लपेट के ले जाते। लेकिन आप तिरंगे पर अपना झंडा रख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपत्ति तो करेंगे। ध्वजारोहण में भूलवश भी ऐसा होता है कभी कभी, ओम प्रकाश जी? भूलवश मट्टी क्यों नहीं खा लेते हैं? अच्छा एक चीज बताइए, प्रदेश में आज बहुत से आईएएस और आईपीएस परेशान है सरकार के दबाव में, और वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनके लिए क्या है पार्टी की तरफ? ऐसे जो साथी देश के प्रति, समाज के प्रति ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, अगर सरकार उनको जबरदस्ती रिटायर कर रही है या वो रिटायर हो भी गए हैं, तो ऐसे साथियों का भारतीय समाज पार्टी स्वागत करती है। ऐसे ईमानदार सज्जन लोग हमें, हम सब लोग मिलकर के प्रदेश को और देश को उज्जवल भविष्य की तरफ ले चलें। अमिताभ ठाकुर को भी आप टिकट देने? बिल्कुल, हम तो स्वागत करते हैं, सबको करते हैं, जितने लोगों के ऊपर यह सरकार जो ईमानदार लोग अंकुश लगा रही है, जबरी रिटायर करे, वो सब हमारे साथ 403 सीट लड़ा के चल के सब लड़ाई लड़े। आपकी अगर सरकार बनती है मूसा की, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? पहले तो पत्रकारों को जो है पत्रकार आयोग बनाएंगे, दुर्घटना बीमा देंगे, जो हमारे फोटोग्राफर हैं उनको भी दुर्घटना बीमा देंगे, उनको भी पेंशन देंगे,
और जहाँ तक पुरानी पेंशन का सवाल है, हम आने के बाद दो काम हम रखेंगे, या तो नेताओं की पेंशन बंद या तो पुरानी पेंशन बहाल। चलिए ठीक है।